Hey guys, welcome back. Guys, क्या आपको पता है कि Real Cricket 24 गेम के अंदर रिसेंटली एक OTA अपडेट आया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि Real Cricket कंपनी ने सीक्रेटली एक OTA अपडेट को रिलीज किया है गेम के अंदर। इस लेटेस्ट OTA अपडेट के अंदर गेम के अंदर टीम का लोगो चेंज हुआ है, उसी के साथ साथ गेम के अंदर काफी सारे टीम का इंटरनेशनल ODI जर्सी चेंजेस हुआ है। तो ये सब कुछ OTA अपडेट के थ्रू हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो जो है ना इसी OTA अपडेट के ऊपर ही होने वाला है कि कंपनी ने जो ये लेटेस्ट OTA अपडेट को रिलीज किया है, इस अपडेट के अंदर हम सभी को क्या कुछ चेंजेस मिलता है, इसी टॉपिक के ऊपर ही आज का ये वीडियो होगा। तो वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को अभी का भी लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा कर रखना ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग पे ही बता दिया है कि Real Cricket कंपनी ने एक अपडेट को रिलीज किया है Real Cricket 24 गेम के अंदर, जो कि OTA अपडेट है। ये प्ले स्टोर के अपडेट नहीं है, यह OTA अपडेट है जो गेम के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट आता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन ओपन करके गेम को ओपन करना होता है और आपका जो अपडेट है यह ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में हो जाता है। एंड कंपनी ने यह जो अपडेट है यह सीक्रेटली रिलीज किया है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कंपनी ने इस अपडेट के अंदर गेम के अंदर क्या चेंजेस किया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यह जो अपडेट है यह ऑटोमेटिकली आ गया है सभी के पास। तो आप लोग अपना गेम को ओपन करो, इंटरनेट कनेक्शन ओपन करके एंड क्विक प्ले मैच के अंदर जाओ, वहां पर ही आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले भी कंपनी ने ऐसा ही अपडेट देकर गेम के अंदर न्यू जर्सी लेकर आया था इंग्लैंड टीम का, ऑस्ट्रेलिया टीम का, एंड लोगो भी चेंजेस किया था। लेकिन अभी सभी टीम का लोगो चेंज कर दिया है क्विक प्ले मैच के अंदर जाने के बाद। सभी इंटरनेशनल टीम के अंदर आपको अभी जो लोगो है वो आपको देश का लोगो देखने को मिलेगा, यानी कि कंट्री का लोगो होगा। वहां पर कोई भी क्रिकेट बोर्ड का कोई लोगो नहीं होने वाला है। पहले कंपनी ने क्रिकेट बोर्ड जैसा लोगो कॉपी करके यूज किया करता था, लेकिन अभी शायद उनको BCCI या फिर ICCI के तरफ से नोटिस आने की वजह से कंपनी ने उस सारे लोगो को चेंज कर दिया है। अभी जो लोगो देखने को मिलेगा वो अभी कंट्री बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि कंट्री का जो लोगो है वो ही टीम का लोगो अभी आपको देखने को मिलने वाला है। एंड पहले राउंड शेप पे लोगो था, अभी अलग शेप पे आपको लोगो देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो भी ODI जर्सी है उनमें से ज्यादा आपको चेंजेस नजर आने वाला है। जैसे कि इंडिया टीम का ODI जर्सी चेंज हुआ है, पाकिस्तान टीम का ODI जर्सी चेंज हुआ है, नेपाल, उसी के साथ साथ ओमान जैसे, वेस्ट इंडीज जैसे काफी सारे टीम का आपको अभी ODI जर्सी न्यू देखने को मिला है। ज्यादा से ज्यादा टीम का, लगभग एक दो टीम को छोड़कर सभी टीम का ODI जर्सी चेंज हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हो एंड आपको भी ये सारे लेटेस्ट ODI जर्सी देखने को मिलेगा गेम के अंदर। ये जो अपडेट है गाइस, ये सीक्रेटली कंपनी ने रिलीज किया है, ना ही इसका कोई अनाउंसमेंट हुआ है, ना ही कंपनी ने कोई भी अनाउंसमेंट किया है, यानी कि कंपनी की तरफ से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है इस अपडेट के रिगार्डिंग। तो ये एक सीक्रेट अपडेट है जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। होपफुली आप लोग भी इस अपडेट को एंजॉय करोगे। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, इस अपडेट के बाद गेम प्ले और भी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि अभी आपको गेम के अंदर कंट्री का लोगो देखने को मिलता है। इस वजह से देखने में भी काफी ज्यादा कलरफुल एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले जैसे अनरियल लोगो आपको देखने को मिलता था, उसके हिसाब से अभी वाला जो लोगो है, कंट्री का लोगो, रियल लोगो, वो आपको काफी अच्छा देखने में लगेगा, काफी अच्छा फील देगा कि आप रियल मैच प्ले कर रहे हो। एंड साथ ही साथ लेटेस्ट ODI जर्सी आया है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो। मैंने गेम प्ले किया और काफी सारा शॉट वगैरह भी प्ले किया, तो उस हिसाब से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड गेम प्ले भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। सभी जगह से लोगो को चेंजेस किया है, लोगो जो भी जगह पे था वहां पर अभी आपको इंडिया टीम का, इंडिया का ओरिजिनल जो देश का लोगो है वही देखने को मिलेगा, कंट्री का लोगो जो है वही देखने को मिलेगा, ना कि क्रिकेट बोर्ड का कोई लोगो होगा। तो ये एक चेंजेस है जो गेम के अंदर कंपनी ने रिलीज किया है OTA अपडेट के थ्रू, जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। होपफुली आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को भी ये सारे चेंजेस पता लग चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपके साथ और भी धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।